बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करम है आप लोग ठीक है। तो देखिए, गार्लिक को मैंने इसमें चॉपिंग कर दी हूँ, दम बारीक बारीक वैसे हम मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इसमें ये लहसुन डालेंगे। फिर हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और ये मिक्स हर्ब और थोड़ा सा ऑरेगानो। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले गार्लिक को, इसमें नमक नहीं डालेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी नमक रहता है बटर में, मस्के में। तो अभी हम इसमें मस्का डालेंगे। ये देखिए, एकदम पिघला हुआ है मस्का, आराम से मेल्ट हो जाएगा। अब इसको इसमें मैं रख देती हूँ। इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे, सब मिल जाएगा इसमें, मस्का, गार्लिक, जो जो है इसमें सब मिला हुआ मसाले। तो ये देखिए पूरा मिल गया है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, यानी कि कोतमीर। कोतमीर धो के काट के रखी मैंने, ऐसे भी अच्छे तरीके से मिला देंगे। कितना अच्छा स्मूथी पेस्ट बन गया इसका, है ना। तो देखिए, ये एक और पाउडर है मेरे पास, तो ये भी डालूंगी मैं। अफगानी पाउडर है मतलब, और अब मैं इसमें ये भी थोड़ा डालूंगी। ये शोरमे का पाउडर, और इसमें थोड़ा नमक रहता ही है इसमें भी। तो बस अभी इसमें हम मिला लेंगे इसको भी अच्छी तरीके से। तो हम अभी इसको ब्रेड में लगाएंगे। इसमें लहर वगैरह, गार्लिक चीज़, गार्लिक ब्रेड, तो इसको पूरे ब्रेडों में हम लगा देंगे, वन साइड सिर्फ। तो ये देखिए, एकदम मस्त में ज़्यादा लगाई हूँ मैंने, है ना। तो ये देखिए, ये ब्रेड को हम इसके ऊपर रख देंगे। ये पैन में मैंने लियो ग्रिल वाला, बिस्मिल्लाह रखमान रहीम, और इसके ऊपर हम ये चीज़ लगा देंगे। तो ये हो गया गार्लिक चीज़, गार्लिक ब्रेड, ये इसके ऊपर से, ये दूसरा ब्रेड। तो देखिए, इसे हम पलटा देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ग्रिल वाला है ना, इसके लिए इसको थोड़ा सा देखिए चिपक गया। मैंने इसमें कुछ नहीं डाली ना, ऑयल वगैरह, बोले ये तो खुद ही है, एक मस्का लगा हुआ है। तो फिर स्लो एकदम कर रही हूँ, स्लो पे कर रही हूँ, थोड़ा सा पास करती हूँ अभी। तो ये देखिए, ये एक साइड से इतना सिक गया है, अभी और अच्छे से सेक जाएगी। तो देखिए, ये ऐसा सीख गया है, ये पैन पतला है ना, इसके लिए थोड़ा वो होगा, गार्लिक के पूरे वो हो गए ब्लैक ब्लैक हो गए। स्लो पे दम कर रही हूँ ना। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा वो भी डाली मसाला,
और चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी डालूंगी और इसके ऊपर थोड़ा तीखा करूंगी, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं लग, फीका फीका नहीं अच्छा लगता, चटनी नहीं पीसी मैंने, तो मैं इसी तरह इसको बनाऊंगी। तो देखिए अब ये इसके ऊपर ऐसा लगा दूंगी, तो ये देखिए ये हो गया, पूरे ब्रेड मेरे हो गए कंप्लीट। अब इसको हम कटिंग करेंगे, इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं आप लोग। मस्त हो गया ना। तो मेरी गार्लिक चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी कैसी लग रही है आप लोगों को, पसंद आ रही है ना? तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मेरे पूरे ब्रेड बन गए हैं और बताती हूँ आपको। तो देखिए सब हो गया है, अभी इस तरह से इसे कटिंग कर दी मैंने और आपको बता रही हूँ। देखिए ये चीज़, ये इसमें चीज़ है बीच में, है ना? तो हो गया मेरा सब। तो देखिए ये भी मैंने काट दी इसी तरह, ये देखिए तो देखिए ये ब्रेड की पूरे रेसिपी रेडी हो गई है, चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो कैसी लग रही है आप लोगों को, पसंद आ रही है ना? तो गाइज मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फिर से मैं बोल रही हूँ अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर।